असेनार असेनार असे अचिकन असे अचिकन असे अजगर असे अचार असे अदरक छोटे असे अनार छोटे असे अचिकन छोटे असे अदरक छोटे असे अजगर छोटे असे अचार। आज हमने क्या सीखा? स्वर में छोटा अ। क्या बोलेंगे इसको हम? अ। बड़े आ से आ। बड़े आ से आ। बड़े आ से आलू। आ से आम। आ से आग। आ से आलू। आ से आलू। आ से आम। आ से आग। आ से आम। आ से आग। आ से आलू। तो बच्चों, छोटे आ के आगे अगर हम एक डंडा लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो आ। जो ये डंडा होता है ये होती है हमारी आ की मात्रा। कौन सी मात्रा होती है? आ की मात्रा। ठीक है, अब आती है छोटे ई की बारी। ई से इमली। ई से इलायची। ई से इत्र। ई से इत्र। ई से इमारत। इमारत किसको बोलते हैं बच्चों? हम बिल्डिंग को, है ना? आप लोग एक बिल्डिंग में रहते हैं ना, ठीक है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं इमारत। ई से इत्र। इत्र हम किसको बोलते हैं? सेंट। सेंट लगाते हो ना आप लोग जब कहीं पार्टी में जाते हो, सेंट, उसको बोलते हैं हम इत्र। ई से इत्र। छोटे ई से इमली। ये क्या है? बड़ी ई। ई से ईश्वर। बड़ी ई से ईंट। ई से ईख। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं हम? भगवान जी को, ठीक है। ईंट। ये क्या है? ईंट। ईंट से हम क्या बनाते हैं? मकान, बिल्डिंग, है ना? ये है बच्चों ई। बोलो बड़ी ई। ईश्वर। ईंट। ईख। ये है बड़ा ई। छोटे उसे उल्लू। छोटे उसे उल्लू। छोटे उसे उड़ना। छोटे उसे उदास। छोटे उसे उठना। आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हम क्या होता है? वो छोटे उसे होता है, ठीक है। पहले छोटा उ, ठ, न और न पर आ की मात्रा, क्या बन गया? उठना। उसे उदास। उसे उल्लू। उसे उड़ना।
बड़े उसे ऊपर, बड़े उसे ऊपर, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, उसे ऊंट। ऊन से बताओ हम क्या करते हैं, ऊन से हम क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं। और उसे ऊपर, उसे ऊंट, ये है बच्चों बड़ा ऊ, ये है बच्चों बड़ा ऊ। ये है, बताओ जल्दी से कौन सा ए है, ये छोटा ए। ए से एक तारा, ए से एकता, ए से एड़ी, ए से एक। एक जानते हैं बच्चों क्या होता है, जिसे आप वन बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप वन बोलते हैं। और एक तारा होता है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिससे हम बजाते हैं। और एक ए से एकता, एकता जानते हो, यूनिटी, हम सबको मिलके रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए, ठीक है। ए से एड़ी, एड़ी है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एड़ी, क्या है ये हमारा ए, क्या है ये ए, ये है ए। ए से ऐनक, ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ए से ऐरावत, ए से बच्चों ये कौन सा ए है, बड़ा ए, जिसके ऊपर ए की मात्रा आती है, जो ये ऊपर इसके लग रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं ए की मात्रा, ठीक है। कौन सी मात्रा है ये, ए की। ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओ, ओ से ओला, ओ से ओढ़नी, ये क्या है बच्चों, छोटा ओ, ठीक है। ओस जानते हैं ना क्या होता है, ओस होती है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह सुबह जो अच्छी अच्छी बूंद पड़ी होती है, बारीक बारीक सी, प्यारी प्यारी सी, पत्तियों पर, ग्रास पर, उसे हम बोलते हैं ओस, उसे हम क्या बोलते हैं, ओस। और ओला, ओला जानते हैं, देखा है किसी ने, ओला होता है बर्फ का, जो बादलों में से गिरता है, बारिश से बनता है, ठीक है, ओला। औरत, ये है बच्चों बड़ा औ, बड़ा औ, इसे बोलेंगे औ से औरत, औ से औजार, औ से औलाद, औ से औषधि, औ से औषधि। औषधि क्या होता है, मेडिसिन, जो आप दवाई खाते हैं ना, वो सारी औषधि होती है। जो इस पे मात्रा देख रहे हो ना आप, दो मात्रा लग रही है, ये है औ की मात्रा, ठीक है। कौन सी मात्रा है, औ, औ की, औ मतलब जब हमारा, जैसे औरत दो मात्रा वाला, हम उसको बोलते हैं औ की मात्रा। किसकी मात्रा है ये, अन, कौन सा है, अन। आप बोलो मैम के साथ में, बोलिए सब,
जो देखो इसके ऊपर बिंदी लग रही है ना, जो अन है ऊपर बिंदी लग रही है, जो कि नाक में आवाज आ रही है, इसको हम बोलते हैं अंग की बिंदी। कौन सी बिंदी है ये? हाँ, इसको अंग की बिंदी बोलते हैं। देखो अन से अंजीर, अंक से अंक, अन से अंगूर, अन से अंगूर। बच्चों बोलो अंजीर। अंजीर क्या होता है? एक ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है। अंक, अंक बोलते हैं हम नंबर्स को। और अंगूर तो आप खाते ही हैं, जिसको हम ग्रेप्स बोलते हैं। ये है बच्चों अन। अन से अंगूर के बाद, अन से अंडा के बाद आती है अह की बारी। क्या है ये? अह। बच्चों अह खाली, सब बच्चे बजाओ ताली। ये क्या है? अह। इसको क्या बोलेंगे हम? अह। देखो अह के पीछे दो बिंदी, अह के पीछे दो बिंदी जब ये आएंगी तो इसको हम बोलेंगे अह। अ के पीछे दो बिंदी आने पर हम इसको क्या बोलेंगे? अह। अह खाली, अह खाली। बच्चों बजाओ ताली। आज हमने किए हैं सभी स्वर लर्न। स्वर अब सब बच्चों को घर में लर्न करने हैं।